हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए हमारी यूट्यूब चैनल नेक्स्ट साइंस एग्जाम में एलटी साइंस 2021 का फुली सॉफ्ट पेपर लेकर आए हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चनों की संख्या थी लगभग आपका 100 थी, और जिसमें कि पैडागोजी से रिलेटेड और आपका है आपका 100 क्वेश्चन है इस पे। तो आज हम इनको पूरा सॉल्व करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी आपका आंसर बनेंगे वो भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इस जो क्वेश्चन होंगे आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों बताए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो पहला इसका क्वेश्चन है वो होने वाला है आपका द बॉन्ड एंगल इन NH3 मॉलिक्यूल इज, अमोनिया अणु में आबंध कोण होता है। तो फ्रेंड्स, जो आपका अमोनिया अणु में आबंध कोण होता है वो आपका होता है 107.5 डिग्री। तो फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, परजीवी जंतु विकसित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं वो आपका विकसित कैसे किए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है इस पे। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होने वाला है वो आपका इसमें जो परजीवी जंतु होते हैं वो ए ऑप्शन दे रखा है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग, बी ऑप्शन दे रखा है क्लोन एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन, सी ऑप्शन दे रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरिन जीन, डी ऑप्शन दे रखा है प्यूरिफाइड जीन। तो फ्रेंड्स, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विदेशी जीन के प्रवेशन के द्वारा आपका क्या है इनको विकसित किया जाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन के द्वारा इनको विकसित किया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वो आपका बायोलॉजी से रिलेटेड है और पहला जो क्वेश्चन था आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड था। तो आज हम इनको पूरा पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो फ्रेंड्स आ रहा है आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं, पूर्व दृष्टि सीखने के किस सिद्धांत में नींद होती है। जो पूर्व दृष्टि होती है यानी कि फोर साइट इज कंसिडर कंसिस्ट इन विच थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन दे रखा है कूट लेविन का सेठ सिद्धांत, बी ऑप्शन दे रखा है अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का सिद्धांत, सी ऑप्शन दे रखा है प्रयास और भूल द्वारा अधिगम का सिद्धांत, डी ऑप्शन दे रखा है संबंध अनुक्रिया अधिगम का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो आपका पूर्व दृष्टि होती है सीखने के सिद्धांत होते हैं वो आपका अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का सिद्धांत इस पे दिया गया था, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग जिसको कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है, टर्मन के अनुसार, जो आपका टर्मन वैज्ञानिक थे उनके अनुसार, टर्मन के अनुसार मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टर्मन ने सिद्धांत दिया था आपका, इनके द्वारा आपका जो बालकों की बुद्धि क्रम को दर्शाया गया था, तो जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका मंद बुद्धि बालकों के लिए बुद्धि लब्धि जो होती है वो आपको पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू द टर्मन, द इंटेलिजेंस क्यूटेंस ऑफ द मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन इज, तो आपका ये है आपका 70 से कम, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो आपका 70 से कम होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, झींगा के शिरोवक्ष में कितने खंड होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो झींगा होता है उसके जो शिरोवक्ष होते हैं उसमें कितने जो खंड पाए जाते हैं वो आपसे पूछा गया है यहाँ पर। फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है, इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, कैपिटोथोरिक्स ऑफ पेलियोमोन प्रॉन्स कंसिस्ट ऑफ। तो फ्रेंड्स, जो आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, 13 सेगमेंट्स विच। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो आपका आ रहा है, ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है। जो आपका ब्रूनर थे वैज्ञानिक थे उनके द्वारा ये पूछा गया है कि आपका जो मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा इस पे नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मूर्त संक्रियात्मकता के अंतर्गत जो आपका आता है वो आपका कौन सी नहीं आती है, मानसिक अनुभूतियों का तरीका नहीं आता है, तो इसको बोलते हैं आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ठीक है फ्रेंड्स, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा एल्कीन ओजोनीकरण पर CH3CO, CH3 HCHO देता है। तो फ्रेंड्स, जो ये आपका क्वेश्चन आ रहा है केमिस्ट्री रिलेटेड, विच एल्कीन एंड ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स CH3CO, CH3 एंड HCHO। तो फ्रेंड्स, जो इसमें आपका आ रहा है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या आ रहा है आपका एल्कीन आ रहा है। तो एल्कीन फ्रेंड्स जो आपका क्या है यहाँ पे देख पा रहे हैं CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3, तो ये आपका बी ऑप्शन सही होने वाला है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बताते हैं, व्यक्तित्व मापन उपकरण SOL-PF प्रश्नावली का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। जो व्यक्तित्व मापन की प्रणाली थी वो उपकरण 16 का आता है, PF प्रश्नावली का निर्माण किसके द्वारा किया गया है वो आपका किया गया था। फ्रेंड्स, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, रेमंड बर्नार्ड केटल इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, समूह शिक्षण का विकास किया गया। तो जो समूह शिक्षण यानी कि टीम टीचिंग इज डेवलप्ड बाय, जो टीम टीचिंग की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जे फ्रीमैन के द्वारा समूह शिक्षण का विकास किया गया था। तो टीम टीचिंग इज डेवलप्ड बाय जे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जे फ्रीमैन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10, विषम बीजाणुता पाई जाती है, तो ये आपका बायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है। हेट्रोस्पोरी इज फाउंड इन, आपका जो हेट्रोस्पोरी पाई जाती है वो आपका पाई जाती है किसमें पाई जाती है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, सिलेजिनेला में जो आपका क्या है विषम बीजाणुता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ऐसे व्यक्ति जो सीधे सीधे अपने क्रोध को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो फ्रेंड्स जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जैसे पीपल हु कैन नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस देयर एंगर, उनको हम क्या कहते हैं आपका, उनका जो शरीर होता है वो किस प्रकार से आपका यहाँ पे मौका गया वो आपका दिया गया है, आपका ये ऑप्शन दे रखा है धार्मिक, ऑप्शन बी दे रखा है सुडोलकाय, ऑप्शन सी दे रखा है गोलकाय, ऑप्शन डी दे रखा है लंबकाय, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, लंबकाय इनका शरीर होता है, एस्थेनिक इसको हम कहते हैं आपका, तो फ्रेंड्स इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से चिलगोजा प्राप्त किया जाता है, तो फ्रेंड्स जो चिलगोजा होता है, चिलगोजा इज ऑब्टेंड फ्रॉम सीड्स ऑफ, तो चिलगोजा आपका प्राप्त किया जाता है किसे प्राप्त किया जाता है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पाइनस जिरार डियाना के बीजों से इसका पाया जाता है, तो पाइनस जिरार डियाना, तो आपका इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भाटिया बैटरी, जो भाटिया बैटरी थी उस पर आपका जो सामान्य बुद्धि परीक्षण में कितने उप परीक्षण है, आपका जो उप परीक्षणों की संख्या थी वो कितनी पूछ रहा है आपका यहाँ से, तो इसके उप इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो आपका इसके उप परीक्षण थे वो आपका 5 थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है, ह्यूरिस्टिक विधि के पदों का सही क्रम होता है, द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड्स टर्म्स इज, तो आपका इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, समस्या उत्पन्न करना, तथ्यों की खोज करना, परिकल्पना का निर्माण करना, तो फ्रेंड्स पहले समस्या को उत्पन्न करना होता है, फिर उसके बाद तथ्यों की खोज करना होता है, फिर उसके बाद परिकल्पना का निर्माण करना है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उबिस बॉडीज पाई जाती हैं, बायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, द उबिस बॉडीज आर फाउंड इन, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, टैपिटल कोशिका में आपका जो उबिस बॉडी है वो पाई जाती है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, तो आपका टैपिटल जो कोशिकाएं होती है उनमें उबिस बॉडी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान IRRI स्थित है, तो फ्रेंड जो आपका IRRI है वह कहाँ पर स्थित है, फिलीपींस से है आपका, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो आपका धान अनुसंधान संस्थान है वो आपका फिलीपींस में स्थित है, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान है, ये पूछा गया था इस क्वेश्चन नंबर 16। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, रोरसा का शाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड का प्रयोग किया गया है, जो आपका रोरसा शाही धब्बा परीक्षण था उसमें जो कार्डों की संख्या थी वो आपका इसमें पूछी गई है, हाउ मेनी कार्ड्स आर यूज्ड इन रोरसा इंक ब्लॉट टेस्ट, तो आपका इसमें जो आपका 10 थे आपका कार्ड की संख्या, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो आपका रोरसा शाही धब्बा परीक्षण था उसमें जो कार्डों का प्रयोग किया गया था वो आपका लगभग 10 कार्ड थे। समझते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, जो आपका उत्तम जो परीक्षण होता है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड टेस्ट, जो इसमें से सबसे अच्छा टेस्ट नहीं माना जाता वो कौन सी है, आपका व्यक्ति निष्ठता इसमें नहीं देखी जाती है, तो फ्रेंड्स ये इसका ऑप्शन सही है व्यक्ति निष्ठता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19, बाह्य अभिक्रमिक अनुदेशन को कहा जाता है, जो बाह्य एक्सट्रिंसिक प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन होते हैं इज ऑल्सो नोन एज, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को आपका बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, अर्जित अभिप्रेरकों के अंतर्गत आते हैं, जो फ्रेंड्स जो आपके क्या आते हैं कम अंडर द एक्वायर्ड मोटिव्स आर, तो अर्जित अभिप्रेरकों के अंदर कौन से आते हैं, सहयोग और प्रतिस्पर्धा, जो आपका इसका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, जो सहयोग और प्रतिस्पर्धा है वो आपका अर्जित अभिप्रेरकों के अंदर आते हैं, कम्स अंडर द एक्वायर्ड मोटिव्स आर कोऑपरेशन एंड कंपटीशन। कभी कभी फ्रेंड्स ये आपका जो इंग्लिश में क्वेश्चन होते हैं, जो हिंदी के क्वेश्चन होते हैं आपका इंग्लिश में पढ़े तो आपका आसानी से बन जाते हैं, तो फ्रेंड्स आपको देखना है कि आपका इंग्लिश में भी एक बार इनको पढ़ देना है पेपर देते टाइम पे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 है, द्रुत शीतल उपचार द्वारा पुष्पन कहलाता है, तो फ्रेंड्स ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पे जो क्वेश्चन है द्रुत शीतल, तो बहुत ज्यादा टफ लग जाता है कभी हिंदी में, तो आप देख पा रहे हैं फ्लावरिंग ड्यू टू द कोल्ड ट्रीटमेंट इज कॉल्ड, यहाँ पर देखा आपका कोल्ड ट्रीटमेंट, तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन दे रखा है स्टेटिफिकेशन, बी ऑप्शन दे रखा है ताप चिकित्सा, सी ऑप्शन दे रखा है दीप्तिकालिता,
डी ऑप्शन दे रखा है बसंतीकरण, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्नलाइजेशन तो द्युतशीलता उपचार द्वारा जो पुष्पन होता है वो आपका बसंतीकरण कहलाता है। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण आपका बताना है कि आपका जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसमें आपका जो वेग समीकरण होता है वो कौन सा होता है करके। तो फ्रेंड्स जो डी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही होने वाला है, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। तो फ्रेंड्स इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जो और तीनों है सारे आपका रेट ऑफ रिएक्शन को शो नहीं करते, तो आपका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम पद है, जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है यानी कि एक्शन जिसको हम रिसर्च बोलते हैं उसको आपका जो पहला पद होता है वो कौन सा होता है आपका, जो पहला फ्रेंड्स जो आपका पता ही है कि सबको पता होना चाहिए, समस्या को पहचानना, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पहले समस्या की क्या की जाती है, पहचान की जाती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। टाइलोसिस पाए जाते हैं, तो बायोलॉजिकल क्वेश्चन है आपका, टाइलोसिस टाइलोसिस आर फाउंड इन, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है, अंतः कास्ट में यानी कि हार्ट वुड में आपका पाए जाते हैं जो टाइलोसिस होते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं हमारे आप 24 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। परजीवी शैवाल का उदाहरण है, तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन दे रखा है सेफ्लुरोज, बी ऑप्शन दे रखा है वॉलबॉक्स, सी ऑप्शन दे रखा है नॉस्टॉक, डी ऑप्शन दे रखा है स्पाइरोगायरा। तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होने वाला है, सेफ्लुरोज आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो परजीवी शैवाल है तो इसमें आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है क्वेश्चन नंबर 26। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 है, सबसे अच्छी गुणवत्ता का मोती जो समुद्री सीपियों से मिलता है कहलाता है। ए ऑप्शन दे रखा है टोबा मोती, बी ऑप्शन दे रखा है लिंदा मोती, सी ऑप्शन दे रखा है दोनों ए और बी, डी ऑप्शन दे रखा है तुम्हें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो लिंगा मोती होता है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का मोती होता है, तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27। संक्रमण तत्व संबंधित है आपका, फ्रेंड्स जो संक्रमण तत्व होते हैं वो आपको बताना चाहिए, आपका डी ब्लॉक के एलिमेंट ही आपका संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स जो आपका इसका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो आपका डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जो आपकी एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीट भी हुए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 28। तो आपका एक क्वेश्चन है 28, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, आपका जो इसकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है यानी कि अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे द पीरियड्स ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है वो कौन सी है आपका, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है, यानी कि 7 से 12 वर्ष की आयु तक होती है आपका फ्रेंड्स कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट, जो आपकी जीन पियाजे ने यहाँ पे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा फ्रेंड्स, एलोपैट्रिक स्पेसीज आर, जो विस्तानिक प्रजातियां होती है वो क्या कहलाती है आपका फ्रेंड्स, ठीक है वो पाई कहाँ जाती है इसके बारे में आपसे पूछा गया है। एलोपैट्रिक स्पेसीज आर, तो ये फ्रेंड्स ये वो होती है आपका जो वे प्रजातियां होती है जो भिन्न भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कई लोग आपका इसका डी ऑप्शन सही करके आगे थी, वे प्रजाति तो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये नहीं है कि आपको जो एक ही क्षेत्र में, यहाँ पर ये है कि आपको जो भिन्न भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है वो आपका विस्तानिक प्रजाति कहलाती है। तो फ्रेंड्स इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 30। तो फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 आ रहा है आपका साइकोलॉजी रिलेटेड, किस शिक्षण विधि में उदाहरणों के माध्यम से नए नियम या सिद्धांत निकाले जाते हैं। तो फ्रेंड्स किस शिक्षण विधि में उदाहरणों के माध्यम से नए नियम या सिद्धांत निकाले जाते हैं, इन विच टीचिंग मेथड द न्यू रूल्स और प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एग्जाम्पल, तो किस विधि में किया जाते हैं फ्रेंड्स, ये आपका बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो आगमन विधि होती है यानी कि इंडक्टिव मेथड होती है उसमें जो आपका शिक्षण विधि में उदाहरणों के माध्यम से नए नियम और सिद्धांत निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31, स्पाइस लीना है, तो फ्रेंड्स जो आपका स्पाइस लीना है वो आपके क्या है, एक एकल प्रोटीन कोशिका है, ऑप्शन इसका बिल्कुल बी सही है। तो जो स्पाइस लीना है वो आपके क्या है, एकल प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 32, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार आर्थिक व सामाजिक रूप से
आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों की सीट आरक्षित है। फ्रेंड्स, जो आपका शिक्षा अधिकार अधिनियम थी 2009, उसमें जो पिछड़ा वर्ग था आपका, जिसको पिछड़े वर्ग के रूप में बच्चों के रूप में निजी विद्यालय है, उनमें सीट जो आपका सीटों की संख्या थी वो कितनी परसेंट थी आपका? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होने वाला है, 25% आपका सीट आरक्षित थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न ऑक्साइड में से कौन सा अम्लीय नहीं है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया कि जो ऑक्साइड दिए गए हैं यहाँ पर, तो इनमें से कौन सा ऑक्साइड जो है वो आपका एसिडिक नहीं है? तो फ्रेंड्स, ए दे रखा है Cl2O7, बी ऑप्शन दे रखा है Na2O, सी ऑप्शन दे रखा है SO2, डी ऑप्शन दे रखा है P2O5। तो फ्रेंड्स, इसमें से आप देख पा रहे हैं कि सारे जो आपका मेटल नहीं है, अन्य आपका जो सोडियम दिखा रहा है वो मेटल है आपका, यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका Na2O। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, अमंग द विच फॉलोइंग ऑक्साइड विच वन इज नॉट एसिडिक, फ्रेंड्स Na2O जो आपका अम्ली नहीं है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, टोलन अभिकर्मक के द्वारा ऑक्सीकरण करके पता लगाया जाता है। तो फ्रेंड, जो टोलन अभिकर्मक होता है वो आपका जो ऑक्सीकरण किया जाता है तो उसके द्वारा क्या पता लगाया सकता है आपका? एल्डिहाइड के, जो आपका एल्डिहाइड का पता, यानी कि एल्डिहाइड टेस्ट के लिए आपका टोलन अभिकर्मक का यूज किया जाता है, तो ये इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 35। CO2 अणु में कुल कितने मौलिक कंपन होते हैं? तो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है, और जो इसमें आपका कंपनों की संख्या होती है वो लगभग कितनी होती है? 4 होती है, यानी कि CO2 में जो अणु के होते हैं उनमें जो मौलिक कंपन पाए जाते हैं वो आपका, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4 होती है। निम्न में से कौन द्रव स्नेही कोलाइड है? जो आपका द्रव स्नेही कोलाइड है वो कौन सा होता है? इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, गम, यानी गम जो होता है आपका द्रव स्नेही कोलाइड है। फ्रेंड्स, इंग्लिश में पढ़े थे, विच वन इज द फॉलोइंग इज ए लायोफिलिक कोलाइड, सो आपका गम बिल्कुल सही ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 37। निम्न में से कौन तापदृढ़ बहुलक, यानी कि थर्मोसेटिंग बहुलक है? ये आपका बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो बेकेलाइड होता है वो आपका तापदृढ़ बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एफ्लाटॉक्सिन किस कवक से प्राप्त होता है? जो आपका एफ्लाटॉक्सिन मेडिसिन है वो आपका किस कवक से प्राप्त की जाती है? तो फ्रेंड्स, एस्पर जिरस नामक जो आपका क्या होती है, कवक होती है, उसके द्वारा एफ्लाटॉक्सिन बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39। किसके अनुसार संप्रेषण हर उस वस्तु को कहते हैं जो कि उस संदेश का अर्थ व्यक्त करती है जिसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है? तो ये फ्रेंड्स दिया गया, ब्रूकर के द्वारा दिया गया था, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40। लाइकेन के समग्र अंग में शामिल है, जो लाइकेन होता है उसके समग्र अंग में जो आपका शामिल होता है, यानी कि लाइकेन्स कंसिस्ट ऑफ एल्गी एंड कवक, जो आपका कवक है इसका सही ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लेंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होने वाला है, फंगाई, लाइकेन कंसिस्ट ऑफ एल्गी एंड फंगाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 41। तो फ्रेंड्स, 41 है, प्रथम एंटीबायोटिक खोजा गया, तो प्रथम जो एंटीबायोटिक है वो किसी द्वारा खोजा गया था? ए ऑप्शन दे रखा है 1925 में, बी ऑप्शन दे रखा है 1929 में, सी ऑप्शन दे रखा है 1862 में, या डी ऑप्शन दे रखा है में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया, तो 1929 का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। केंद्रक जिलों के मध्य की जगह का सीधा जुड़ाव इसकी मध्य गुहा से होता है। तो फ्रेंड्स, जो इसका होता है, द स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ल्यूमेन ऑफ, तो आपका इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतर प्लाज्मिक जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 43 की ओर, कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड सदैव सीधा होता है? जो आपका पिरामिड की बात कर रहा है फ्रेंड्स, द इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। तो बेसिकली ये आपका क्वेश्चन है एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो बायोलॉजी में भी ये कई बार पूछा गया, तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो आपका सीधा होता है, यानी कि बी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन कॉपर मैट का संगठन है? अब जो फ्रेंड्स देख रहा है आपका कॉपर मैट जो होता है, विच इज द फॉलोइंग इज द कॉम्पोजिशन ऑफ कॉपर मैट? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, Cu2S+FeS, तो कॉपर मैट आपका Cu2S+FeS का संगठन है। फ्रेंड्स चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 45। रुधिर में यूरिया की अधिक मात्रा कहलाती है, एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिया इन ब्लड इज नोन एज, तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स यूरेमिया कहा जाता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिया इन ब्लड इज नोन एज यूरेमिया, तो आपका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। तो फ्रेंड्स आज
ये जितने क्वेश्चन को आप रिपीट करेंगे वो आपको भी याद होते रहेंगे, तो फ्रेंड्स इनको रिपीट कर दिया जाएगा साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 46, जिम्नोस्पर्म पादुकों में पाए जाने वाला जीवित जीवाश्म है। तो फ्रेंड्स जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें जो आपका जीवित जीवाश्म होता है वो कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन दे रखा है सिट्रस, बी ऑप्शन दे रखा है लेरिक्स, सी ऑप्शन दे रखा है गिंको, डी ऑप्शन दे रखा है एबीज। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो गिंको होता है वो आपका जिम्नोस्पर्म पादुकों में पाए जाने वाला जीवित जीवाश्म है। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है जो आपका विटामिन है, कौन सा विटामिन ऐसा है जो आपका वसा में घुलनशील नहीं होता है? तो फ्रेंड्स ये आपका वसा में घुलनशील विटामिन ये विटामिन सी और विटामिन बी, दो ऐसे विटामिन होते हैं जो आपका वसा में घुलनशील नहीं होते हैं आपका। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विटामिन सी। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 48, वृषण कोष का कार्य है। तो वृषण कोष का कार्य क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्क्रोटम? तो आपका वृषण के तापमान को शरीर के तापमान से कम रखना, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स जो आपका वृषण कोष का तापमान होता है वो आपका शरीर के तापमान से कम होता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 49 है फ्रेंड्स, कुछ पुष्पी पादपों द्वारा बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की विशेष प्रक्रिया कहलाती है। तो फ्रेंड्स जो फ्लावर होते हैं कुछ बिना निषेचन के ही आपका क्या बन जाते हैं, बीज बन जाते हैं। तो उस जो आपका प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, आपको पूछा जा गया। द ए फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इन्वॉल्व्ड ए स्पेशियल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड, इसको बोलते हैं आपका एपोमिक्सिस, यानी कि असंग जनन कहते हैं आपका। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, असंग जनन। सिट्रस कैंकर रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है? जो फ्रेंड जो सिट्रस यानी कि जो खट्टे जो आपका फल होते हैं उनमें जो रोग पाया जाता है यानी कि कैंकर रोग, वो किस जीवाणु के द्वारा होता है? फ्रेंड्स का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जेंथोमोनास सिट्री, यानी कि जेंथोमोनास सिट्री आपका बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है केमिस्ट्री रिलेटेड, जो आपका कई बार पूछा गया है, ये आपका रिडक्शन रिएक्शन है यानी कि अपचयन अभिक्रिया के द्वारा, यानी कि यहाँ पे देखा आपका आर, आर में से होता है एल्केन, LiAl H4। तो आपका इसकी जो रिएक्शन है यानी कि अपचयन, यानी कि अपचयन करके क्या देने वाला है? तो आपको यहाँ पे दे रखा है कि आपका क्या बनना है, 2-propanol बनना है। तो इस अभिक्रिया में R क्या है आपसे कहते, तो आपका जो R होता है वो आपका क्या इससे मिलकर बनेगा, यानी कि CH3C आपका दे रखा है OCH2। आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, रिडक्शन जब होगा तो आपका ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका OH बॉन्ड बन जाएगा, तो आपका OH बन जाएगा, तो यानी कि और लगाएंगे यानी कि क्या हो जाएगा आपका 2-propanol बन जाएगा। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 52, फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो जो आपका फास्फोरस यानी कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑक्सीजन ऑफ फास्फोरस। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है H3PO4 एक त्रिक्षारी अम्ल है, बी ऑप्शन दे रखा आपका H3PO2 में केवल 2 हाइड्रोजन आयनित होते हैं, तीसरा दे रखा आपका H3PO3 में एक पी डबल बॉन्ड O था, एक PH बंध पाया जाता है। तो यानी फ्रेंड्स आपका इसका जो सेकंड है वो आपका इसमें वैसे ही गलत है कि आपका जो H3PO2 है में केवल 2 हाइड्रोजन आयनित होते हैं, तो आपका इसमें सही ऑप्शन वाला यानी कि एक और थर्ड भी बिल्कुल सही है, तो यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है आपका। फॉस्फोरस के ऑक्सी अम्लों में आपका क्या होते हैं, H3PO4 एक त्रिक्षारी अम्ल है, यानी कि H3PO3 में एक पी डबल बॉन्ड O था, एक PH बंध पाया जाता है, यानी कि थर्ड ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 53, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार अंग्रेजी विषय को किस कक्षा में अनिवार्य किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपकी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम था 2005 उसमें जो अंग्रेजी विषय था वो आपका कैरिकुलम था वो आपका किस सब्जेक्ट किस क्लास के लिए आपका अनिवार्य किया था? तो फ्रेंड्स वो आपका है क्लास कक्षा एक के लिए, तो फ्रेंड्स कक्षा एक थी उसके लिए आपका अनिवार्य कर दिया गया था ये। फ्रेंड्स चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 53, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार अंग्रेजी विषय को किस कक्षा से अनिवार्य किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो हमारी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा थी 2005 उसके अनुसार जो आपका कक्षा एक है उसके लिए जो अंग्रेजी विषय है वो आपका अनिवार्य कर दिया गया था। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 54, अधिगम का वक्र ग्राफ द्वारा प्रकट करता है। तो फ्रेंड जो अधिगम का जो वक्र होता है वो जो ग्राफ आता है वो आपका लर्निंग कर्व रिप्रेजेंट्स बाय द ग्राफ इज,
ए अधिरेखा अधिगम की उन्नति एवं गति, बी दीर्घा धारण की गति को, सी ऑप्शन दीर्घा बोलने की गति को, डी ऑप्शन दीर्घा उपयुक्त सही। तो फ्रेंड्स इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अधिगम की उन्नति को और धारण स्मृति की गति को और बोलने की गति तीनों को प्रकट करता है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 55। निम्न में से किस पादप में हेटरोसिस्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो हेटरोसिस्ट सेल्स होती हैं वो आपका किस पादप में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन दे रखा है एक्टोकॉर्पस, बी ऑप्शन दे रखा है पॉलीसाइफोनिया, डी ऑप्शन सी ऑप्शन दे रखा है यूरोथ्रिक्स, डी ऑप्शन दे रखा है नॉस्टॉक। तो आपका डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो नॉस्टॉक होता है आपका उसमें जो आपका हेटरोसिस्ट कोशिकाएं वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 56, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके मैट्रिक्स में अकार्बनिक लवण, राइबोसोम और डीएनए तीनों पाए जाते, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स 57, स्पैगलेट पुष्पक्रम पाया जाता है, जो स्पैगलेट पुष्पक्रम होता है वो किस में पाया जाता है, वो फ्रेंड्स पाया जाता है पोएसी कुल के पौधों में पाया जाता है। तो यानी कि आपका जो पोएसी कुल के पौधे हैं तो उनमें स्पैगलेट पुष्पक्रम पाया जाता है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 58, सोलेनेसी कुल का पुष्प सूत्र है। तो फ्रेंड्स ये बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपका ये दिखाई दे रहा है वो सिमेट्री है, वो बाइसेक्चुअल है, ये कैलिक्स है, ये आपका क्या है कि एंडोसियम और गाइनोसियम है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो एंडोसियम से क्या आपका ये सी यानी कैलिक्स से जुड़े रहते, तो एंडोसियम और कैलिक्सियम, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 59 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 59 है, किस परीक्षण में प्रश्नों की संख्या बढ़ा देने से। तो फ्रेंड्स जो अगर यदि किसी भी टेस्ट है उसमें आपका जो परीक्षण है उनको बढ़ा दी जाती है, तो आपका इसकी जो विश्वसनीयता होती है वो आपका क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विश्वसनीयता क्या हो जाती है आपका, बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 60, घोंघू द्वारा परागण कहलाता है। तो फ्रेंड्स जो घोंघे होते हैं उनके द्वारा जो परागण होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेंड्स में दिया गया है इसको बोलते हैं आपका मेलेकोफिली, यानी कि पोलिनेशन ऑफ स्नेल्स इज कॉल्ड मेलेकोफिली, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा एंजाइम लाल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो फ्रेंड जो आपका लाल ग्रंथि होती है उसमें कौन सा एंजाइम होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, एमिलेज। विच एंजाइम इज सेक्रेटेड बाय सेलिबरी ग्लैंड्स, तो आपका एमिलेज इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 62, जो आनुवंशिक रोग है वो आपका कौन सा फ्रेंड्स, हीमोफीलिया, जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी कि जो हीमोफीलिया रोग है वो आपका आनुवंशिक रोग है। तो इसका 62 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं फ्रेंड्स 63, निम्न में से कीट बक्सी पौधा है। तो फ्रेंड्स जो इसमें से कीट बक्सी पौधा है यानी कि जो कीटू का कीट खा लेता है तो इसको कीट बक्सी पौधा कहते हैं, जिसमें कि कीटू का जो भक्षण करते हैं। तो ए ऑप्शन दे रखा है टीनोस्पोरा, बी ऑप्शन दे रखा है विस्क्रम, सी ऑप्शन दे रखा है आपका ड्रोसेरा, डी ऑप्शन दे रखा है सेंटेलम। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो ड्रोसेरा होता है वो आपका कीट बक्सी पौधा होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, अभिवृत्ति मापन की स्केलोग्राम विधि का प्रतिपादन किया था। जो अभिवृत्ति मापन की जो स्केलोग्राम विधि है वो प्रतिपादित किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, गेटमैन के द्वारा प्रतिपादन किया गया था। विद्यार्थी द्वारा इतिहास कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग हिंदी कक्षा में किया जाता है, यह उदाहरण है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका साइक्लोसी रिलेटेड है। तो ये दीर्घ आपका किसका, रात्मक अंतरण का, यानी कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ लर्न बाय स्टूडेंट इन हिस्ट्री क्लास इज यूज बाय इन हिंदी क्लास, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसको बोलते हैं आपका फ्रेंड्स पॉजिटिव ट्रांसफर का। तो फ्रेंड्स जो इंग्लिश में अगर पढ़ रहे थे तो आपका ये आसान हो जाते हैं, तो यदि हम पेपर देने जाते हैं तो उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ना है ताकि हम इनको अच्छी तरह से समझ पाए और इसका आंसर हमको आ सके। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 66, तो ये आपका बायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है, कंडरा जोड़ता है, यानी कि जो आपका क्या होते हैं टेंडन वो आपका जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं फ्रेंड्स, ए ऑप्शन दे रखा है नर्व टू मसल्स, बी ऑप्शन दे रखा है मांसपेशियों से मांसपेशियों को, यानी कि मसल टू मसल्स, सी ऑप्शन दे रखा है मसल टू बोन, मांसपेशी को अस्थि से, डी ऑप्शन दे रखा है बोन टू बोन, यानी कि अस्थि से अस्थि को। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि मांसपेशी से अस्थि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 66, संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। संबंधवाद था हुई प्रोनाउंस थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, तो आपका
थॉर्नडाइक थे, उनके द्वारा आपका संबंधवाद का सिद्धांत दिया गया था। व्यक्तित्व व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षण का गुण निम्न में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स साइकोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है 68, जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है वो आपका ज्ञान शिक्षण का गुण निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, व्यावसायिक गुण से संबंधित है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69। दिए गए सेल को, अगर दिए गए जो सेल दे रखा है आपका, उसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद्युत वाहक बल कितना होता है, यानी कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड? तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, यानी कि सी यू से सी यू प्लस टू और सी यू माइनस टू से सी यू के बीच में जो आपका इसमें सेल का जो विद्युत वाहक बल आएगा वो आपका 0.2945 वोल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 70। NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Cl आयन घिरा होता है, जो NaCl क्रिस्टल होता है उसमें जो प्रत्येक Cl आयन होता है, यानी कि जो Cl आयन की संख्या होती है वो, यानी कि जो Cl आयन घिरे रहते हैं निगेटिव आयन, यानी कि जो Cl निगेटिव आयन होते हैं वो आपका उनकी संख्या जो संख्या होती है वो किससे घिरे रहते हैं, वो आपका क्या होते हैं 6Na+ आयन से घिरे रहते हैं, यानी कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होने के कारण उनको घिरे रहते हैं। इन NaCl क्रिस्टल ईच Cl निगेटिव आयन आर सराउंडेड बाय 6Na आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 71। एड्स के लिए व्यापक रूप से काम में लाया जाने वाला नैदानिक परीक्षण है, तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो एलाइजा टेस्ट होता है वो आपका एड्स के लिए नैदानिक परीक्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो एलाइजा परीक्षण इसमें कराया जाता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, ये आपका रिएक्शन दे रखी है फिनॉल की, इन द प्रेजेंस ऑफ CHCl3, तो यहाँ पे आपका बन रहा है आपका ये यहाँ पर तो एल्डिहाइड लग चुका है, यहाँ पर क्या आपका फिनॉल लगा, तो ये आपका जो है रीमर टीमेन रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है रीमर टीमेन अभिक्रिया, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 73। व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार है, तो फ्रेंड जो इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं वो आपके क्या है वेस्लर वैल्यू परीक्षण कहलाते हैं, तो इसका वेस्लर वैल्यू परीक्षण बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 74। बीजों को पानी में रखने पर वह फूल जाते हैं, तो फ्रेंड्स ये बताना है कि आपका जो बीज होते हैं वो पानी में रखने पर किसी कारण फूल जाते हैं, तो बाय इम्बिशन जो होता है आपका इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि इसको बोलते हैं हम आपका अंतः चूषण के द्वारा ये बीज जो होते हैं पानी में फूल जाते हैं, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 75 जो कि आपका साइकोलॉजी रिलेटेड होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 75 देख पा रहे हैं, मनोविज्ञान में व्यक्ति के किस अन्य व्यक्ति के जैसा अपने को प्रदर्शित करना कौन सी रक्षा युक्ति के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स इन साइकोलॉजी टू शो वनसेल्फ लाइक एनी अदर पर्सन बाय द पर्सन बिलोंग टू इन विच डिफेंस स्ट्रेटेजी, तो आपका इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि अपने आप को दूसरे की तरह आपका आंकना, यानी कि इसको बोलते हैं आपका तादात्म्यकरण कहा जाता है। 76 आपका है पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य है, तो फ्रेंड जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था 1986 उसका उद्देश्य क्या था, पर्यावरण का संरक्षण एवं गुणवत्ता में वृद्धि करना, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 77, दुधिया रोग किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स जो आपका दुधिया रोग हो जाता है मिल्की डिजीज रिलेटेड टू, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बेसिलस ओपिलाई, यानी कि बेसिलस ओपिलाई बी ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है इसका। तो फ्रेंड कितने लोगों ने इसमें ऑप्शन सी सही किया था बेसिलस थुरिएंसिस, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है बेसिलस ओपिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसे जीन्स जो केवल अपना प्रसार करते हैं और उन्हें जंतु जो कि उन जीन्स का वाहक हो उसके लिए हानिकारक भी होते हैं, इनको कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है फ्रेंड्स सेल्फिश जीन। दो जीन्स विच प्रोपागेट देमसेल्फ बाय डिस्पाइट बीइंग डिटर्मिनेटर टू द ऑर्गेनिज्म द कैरी देम आर, इसको बोलते हैं आपका सेल्फिश जीन, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 70, यानी कि आप देख पा रहे हैं आप बायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है, चिर भ्रूणता था शाव की जनन कशेरुकी विशेषता है, जो आपका चिर भ्रूणता है तथा शाव की जनन कशेरुकता है वो आपका किस वर्ग की है, एम्फीबिया वर्ग की है, यानी कि नियोटेनी और पेडियोजेनेसिस आर फाउंड इन दिस क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है एम्फीबियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स 80, ऑक्सीजन आयनों के स्थायित्व का घटता क्रम है, जो ऑक्सी यानी कि
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सी एनायंस, वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, CLO4 माइनस CLO3 CLO2 और CL, यानी कि जो ऑक्सीजन की संख्या वो क्या होती जा रही है आपका कम होती जा रही है, यानी कि ऑक्सी ऋणायन की संख्या में क्या हो रहा है, स्थायित्व का यहाँ पे घटता हुआ क्रम दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा फ्रेंड्स, क्रियाधार तथा संक्रमण अवस्था के मध्य औसत ऊर्जा के स्तर में अंतर कहलाता है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक्टिवेशन एनर्जी का आधार, डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एनर्जी लेवल बिटवीन द सबस्टेट एंड ट्रांजिशन स्टेट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये फ्रेंड्स केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि 12th की बुक से आया हुआ है, देख पा रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, पहले मानव जैसे प्राणी होमो हैबिलिस की दिमागी क्षमता थी, जो आपका होमो हैबिलिस आपका मानव थे वो आपका उनकी जो दिमागी क्षमता थी वो कितनी सीसी की, तो आपका फ्रेंड्स ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 650 से 800 सीसी। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये आपका उपसर्जनजी चैप्टर से आया हुआ है जो कि 12th की बुक का है, HAUCl4 का सही नाम है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी हम अगर ज्ञात करना है तो हम इसकी ऑक्सीजन संख्या निकाल लेते हैं, HAUCl4, तो इसकी ऑक्सीजन जो संख्या आएगी H+ AuCl4 पर निगेटिव चार्ज होता है, तो Cl4 यानी कि चार में से एक घटा देंगे तो आपका 3 इसकी ऑक्सीजन संख्या आई, तो आपका इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन टेट्रा फ्लोरिडो ओरेट इसलिए लगाया क्योंकि ये निगेटिव आयन है, तो यहाँ पे 8 का प्रयोग किया था, यानी कि फ्लोरिडो ओरेट, यानी कि 3 इसकी ऑक्सीजन स्टेट, तो इसके ऐसे इसको आप देखना है क्वेश्चन कैसे सही होगा, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 84, ऐसे नाइट्रोजन क्षार का वह क्रम जो डीएनए में होता है किंतु एमआरएनए में नहीं होता है, क्या कहलाते हैं आपका, यानी कि जो डीएनए में तो पाया जाता है नाइट्रोजन क्षार लेकिन एमआरएनए में नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपका, इंट्रॉन्स, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि आपका बायोलॉजी रिलेटेड है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं घोड़े की नाल में नाल के आकार का भ्रूणकोष निम्न बीजांड में पाया जाता है, तो जो घोड़े की नाल का आकार का जो भ्रूणकोष होता है वो किस बीजांड में पाया जाता है, तो फ्रेंड्स एम्फीट्रोपस इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो एम्फीट्रोपस होते हैं उनमें घोड़े की नाल के आकार का भ्रूणकोष बीजांड का पाया जाता है। प्रेरणा के स्रोत में प्रथम चरण कौन सा है, तो फ्रेंड्स जो प्रेरणा का स्रोत होता है उसमें जो प्रथम चरण है वो कौन सा होता है, वो होती है आपका आवश्यकता पहली, यानी कि जो नीड होती है वो हमारी पहली नीड है, तो आपका आवश्यकता इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 87, तो जो बायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, यूरिया चक्र में आर्जिनिन टूटता है, जो फ्रेंड जो यूरिया चक्र होता है उसमें जो आर्जिनिन टूटता है किसमें टूटता है आपका, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ऑर्निथिन एवं यूरिया में टूटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स, ट्रिपैनोसोमा गुम्बियंस मानव शरीर में पाया जाने वाला है, ये आपका कहाँ पाया था फ्रेंड, जो ह्यूमन बॉडी में ये पाया जाता है आपका रहता है, जो पाया जाता है आपका रीढ़ की द्रव्य एवं रक्त में पाया जाता है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। डीएनए अंगुली छाप विधि पहली बार किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो फ्रेंड्स जो आपका डीएनए अंगुली छाप विधि है वो आपका एलेक जेफरी के द्वारा दी गई थी, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, द टेक्निक्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय एलेक जेफरी। फ्रेंड्स ये आपका 89 क्वेश्चन यहाँ पे किए जा चुके हैं, अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 90 है, ये मुख्यतः आपका उससे होने वाला है, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिनॉल की अभिक्रिया जब अतिरिक्त ब्रोमीन वाटर से कराई जाती है तो उत्पन्न होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ये फिनॉल की अभिक्रिया है वो अगर अतिरिक्त ब्रोमीन वाटर से करवा दी जाती है तो यहाँ पर हमारा 2,4-6-ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाता है, क्योंकि ये आपका किस पे अटैक करता है, ऑर्थो, यानी कि दो ऑर्थो पोजिशन और आपका क्या है एक पैरा पोजिशन पे अटैक करता है, तो इसलिए क्या आपका 2,4-6-ट्राइब्रोमोफिनॉल, यानी कि ब्रोमीन तीनों पोजिशन पे जुड़ जाता है, इसलिए ट्राइब्रोमोफिनॉल यहाँ पे इसका सही ऑप्शन है, 2,4-6-ट्राइब्रोमोफिनॉल। फ्रेयॉन बार का उपयोग होता है, जो फ्रेयॉन होता है गैस होती है उसका बार का जो उपयोग होता है वो किसके लिए किया जाता है, तो फ्रेंड्स इसका उपयोग किया गया था आपका रेफ्रिजरेटर के रूप में किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 92, जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है, 11th की बुक से आया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस प्रक्रम के दोष परिस्थिति में होने के लिए क्या इसमें कौन सा समीकरण है वो सही है, डेटा पी इक्वल टू जीरो है, बी ऑप्शन देखा है डब्ल्यू इक्वल टू जीरो है, सी ऑप्शन देखा है क्यू इक्वल टू जीरो है, या डी ऑप्शन देखा माइनस डेटा टी इक्वल टू जीरो देखा, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि क्यू इक्वल टू जीरो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा फ्रेंड, किस योजना में स्कूल को बाल गृह समझा गया है, यानी कि जो आप बाल गृह है उसमें किस योजना, यानी कि जो आपका कौन सी योजना थी उसमें जो बाल गृह है उसको समझा गया था, वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डाल्टन योजना को आपका बाल गृह के रूप में समझा गया था। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 94 है, एस्टरीकरण में निम्न का कार्बोजी अणु की क्रियाशीलता का सही क्रम है। तो फ्रेंड देख पा रहे हैं आपका जो क्रियाशीलता का क्रम है वो पहचाना जाता है किससे, एल्कीन से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ एल्कीन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो जहां पर नंबर ऑफ एल्कीन है वो आपके क्या है, सबसे कम, उसके बाद फिर एल्कीन संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, CH3 जुड़ा है केवल। तो उसके बाद एक ही यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट यानी कि SCOH जो होगा आपका इसका क्रियाशीलता, यानी कि फर्स्ट सबसे ज्यादा क्रियाशील SCOH, फिर उसके बाद CH3COH, उसके बाद RCH2COH, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 95, निम्न यौगिकों में MM बंध की संख्या। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन आया है वो आपका उपसंयोजी यौगिकों से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, 133। Fe2CO का होल लाइन, N4-C4H4 का होल ट्वाइस, Fe2CO3, N5CpMoCO का होल ट्वाइस का होल ट्वाइस, तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल, यानी कि मेटल टू जो मेटल बॉन्डिंग होती है वो आपका रिस्पेक्टली पाई जाती है 1, 3 और 3 में। किसने कहा था कि मूल्यांकन के क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो हमें बताती है कि छात्रों ने किस सीमा तक किन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया था। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो डांडेकर थे आपका, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, जो डांडेकर थे उनके द्वारा ये बताया गया था कि जो मूल्यांकन को एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिससे कि छात्रों ने किसी सीमा तक किन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया था। तो फ्रेंड्स ये साइकोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि केमिस्ट्री रिलेटेड आ रहा है, विलियन से, विलियन चैप्टर से है, जो क्लास 12th में विलियन का चैप्टर है वो आपका, उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है 0.1 m आदर्श विलियन के लिए वॉन्ट ऑफ गुणांक का मान है, जो वॉन्ट ऑफ गुणांक का मान है 0.1 के लिए वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, लगभग सभी प्रकार के जलीय अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर फाउंड इन, किसमें पाए जाते हैं फ्रेंड्स, लयन काय में पाए जाते हैं, यानी कि लाइसो सोम में पाए जाते हैं। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, मूल्यांकन का संबंध शिक्षण की किस अवस्था से, जो मूल्यांकन का संबंध होता है वो शिक्षण की किस अवस्था में आता है फ्रेंड्स, शिक्षण की पश्चात क्रिया अवस्था, यानी कि पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग कहलाती है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन आ रहा है जो कि केमिस्ट्री रिलेटेड है, क्लास 11th की क्लास 11th में जो आपका चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसमें आपको मिल जाएगा पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से सहायता मिलती है, वो आपको मिलती है किससे, जो जिप्सम होता है वो आपका सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकता है, तो इसलिए ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं हमने 100% आपको बता दिए गए हैं, यहाँ पे 100% को पूर्ण कर लिया गया है। तो फ्रेंड्स जो पेपर था वो आपका 100 मार्क्स का था, जिसमें कि साइकोलॉजी केमिस्ट्री बायोलॉजी एवं बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चन आपने देखे थे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जिसमें माइनस मार्किंग भी होती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं लगभग 0.25 अंकों की क्या है माइनस मार्किंग है, तो आप फ्रेंड्स उनको देख के कीजिएगा पेपर में। तो यहाँ पर हम आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम आपको नई नई वीडियो को दे सकें। तो फ्रेंड्स